हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होंगी जो कि अपने बालों में स्मूथनिंग कराना चाहती हैं, बालों को स्ट्रेट करना चाहती हैं। आज के वीडियो में मैं स्मूथनिंग करवाने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्मूथनिंग के बाद बालों की कैसे केयर करनी चाहिए, स्मूथनिंग की पूरी प्रोसीजर क्या है, मैंने क्यों स्मूथनिंग कराई, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई है। कुछ दिन हुए हैं, 15-20 दिन हुए होंगे मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई है, और मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, और एक बार मैंने घर पर भी अपने बालों को मैं परमानेंट स्ट्रेटनिंग करने की कोशिश की थी, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो कि घर पर स्ट्रेटनिंग करने के कैसे रिजल्ट्स मिले। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने स्मूथनिंग क्यों करवाई। मेरे बाल काफ़ी ड्राई रहते हैं, फ्रिजी रहते हैं, जो कि हमेशा रहते हैं। मैं कितनी भी केयर कर लूँ शायद ऐसे ही हैं, और बहुत सारे होम रेमेडीज ट्राई करती हूँ पर परमानेंट रिज़ल्ट नहीं मिलता उससे। कुछ दिन के लिए अच्छे हो जाते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो कहीं भी मुझे जाना होता है ना, तो बड़ा झंझट रहता है मेरे लिए कि मैं आज कौन सा हेयर स्टाइल ट्राई करूं। तो इस झंझट से बचने के लिए मैंने अपने बालों को स्मूथ कराया, स्मूथनिंग कराई। क्या मुझे कहीं जाना होता है तो कोई हेयर स्टाइल बनाने का झंझट नहीं रहता, बस ऐसे ही ओपन करके कहीं भी जा सकते हैं, और मुझे ओपन हेयर रखना ही पसंद है। तो ऐसे में मुझे लगता है स्मूथनिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि बस कॉम किया और आप कहीं भी चले गए, बाल बड़े अच्छे स्मूथ लगते हैं, सिल्की लगते हैं। तो ये रीज़न था कि मैंने अपने बालों पे बात करेंगे स्मूथिंग करने के बाद कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके बाल वेवी हैं, कर्ली हैं और काफ़ी वॉल्यूम है आपके बालों में, तो जब आप अपने बालों को स्मूथनिंग कराएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक आएगा। तो इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बालों में स्मूथनिंग करा रहे हो, स्ट्रेटनिंग करा रहे हो, तो पहले घर पे या किसी भी पार्लर जाके आप स्ट्रेटनर की हेल्प से स्ट्रेट करके देख लो बाल कि आपके फेस पे फ्लैट लुक कैसा लग रहा है, स्ट्रेट हेयर कैसे लग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे फेस टाइप ऐसे होते हैं जिनमें जिनके ऊपर स्ट्रेट हेयर अच्छे नहीं लगते। जैसे मेरे भी काफ़ी वेवी हेयर हैं और काफ़ी वॉल्यूम रहता है। जब मैंने ये स्मूथनिंग कराया तो मुझे भी स्ट्रेट हेयर काफ़ी फ्लैट लग रहे थे, पर धीरे धीरे वो सेट हो गए, अब ठीक लगने लगे। जब आप एक बार अपने बालों में स्मूथनिंग करा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको नेचुरल हेयर मिल जाएंगे। नेचुरल हेयर मिलना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको एक साल तक वेट करना पड़ेगा। जो नई हेयर ग्रोथ आएगी उसकी हेल्प से फिर आपको नेचुरल हेयर मिलेंगे। और अगर आपके बाल में अच्छे नहीं लग रहे तो ऐसे ही लुक लेके आपको काफ़ी दिनों तक रहना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के अपने बालों पर स्मूथनिंग कराइए। दूसरा, ये बहुत सारे लोगों पे केमिकल ट्रीटमेंट सूट नहीं करते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। और कुछ लोगों का हेयर फॉल बढ़ जाता है। हेयर फॉल बढ़ना आपके बालों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा हेयर फॉल जितना रेगुलर होता है स्मूथनिंग के बाद भी उतना ही था। ऐसा नहीं है कि उसके कारण बढ़ जाता है, पर कुछ लोगों का स्मूथनिंग के बाद या केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो लोग ये ना करवाएं। जिनके हेयर बहुत ज़्यादा पतले हैं वो भी अगर स्मूथनिंग कराएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक आएगा, मतलब बाल और ज़्यादा पतले लगेंगे, तो वो लोग भी स्मूथनिंग कराने से बचें। अब बात करते हैं कि स्मूथनिंग क्यों करानी चाहिए। अगर स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग की बात करूँ, परमानेंट स्ट्रेटनिंग की बात करूँ, तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में बाल ज़्यादा डैमेज होते हैं, ज़्यादा हीट उनमें अप्लाई किया जाता है। और स्मूथनिंग की बात करूँ तो उसमें इतना हीट नहीं अप्लाई किया जाता है और इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता है। जो पोकर स्ट्रेट हेयर होते हैं वो उसमें नहीं होते हैं, उसमें कुछ इस टाइप के आपको स्ट्रेट हेयर मिलेंगे। तो अगर आप बालों का टेक्सचर अच्छा करना चाहते हो, सिल्की और स्मूथ दिखें आपके बालों में, तो स्मूथनिंग आप बिल्कुल करवा सकते हो। करते हैं स्मूथनिंग के प्रोसीजर की। प्रोसीजर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप चाहें तो इसको घर पे भी कर सकते हैं किसी की हेल्प लेके, और अगर आपके पास एक अच्छा सा स्ट्रेटनर है सेरेमिक प्लेट वाला तो आप बिल्कुल इसको घर पे भी कर सकते हैं, पर सैलों में रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके बालों को वॉश किया जाता है और कंडीशनिंग की जाती है, ब्लो ड्राई किया जाता है, इसके बाद एक क्रीम अप्लाई की जाती है। क्रीम जो होती है वो बालों का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करती है। इसके बाद बालों को अच्छे से स्ट्रेट किया जाता है, जैसा हमें स्ट्रेट लुक चाहिए वैसे स्ट्रेट किया जाता है।
और फिर न्यूट्रलाइज़र अप्लाई किया जाता है। न्यूट्रलाइज़र भी 15-20 मिनट के लिए अप्लाई किया जाता है जो बालों को सील कर देता है, जो भी इफ़ेक्ट आपके बालों को मिला है उसको सील कर देता है। इसके बाद आपके बालों को वॉश करते हैं। इसके बाद आपको 2 दिन तक बालों को ना ही बांधना होता है, सोधे डैम भी नहीं बांधना है, ना ही ऐसे आपको कान के पीछे करना होता है, आपको ऐसे ही छोड़ देना होता है। 2 दिन बाद आपको जहाँ से आपने स्मूदनिंग कराई वहीं जाके आपको हेयर वॉश करवाना पड़ता है। तो कुछ इस टाइप से बालों में स्मूदनिंग की जाती है। जो पूरा प्रोसीजर है ये 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है इसको पूरा होने में। अब स्मूदनिंग तो हो गई, अब कैसे बालों की केयर करनी चाहिए। जब आपके बालों में स्मूदनिंग हो जाती है तो अगर आप प्रॉपर स्पा करवाते हो, केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह लेते हो, तो स्मूदनिंग काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने स्मूदनिंग कराई तो आपको स्पा करवाना, केराटिन ट्रीटमेंट वगैरह करवाना ज़रूरी है, सब बिल्कुल नहीं है। आप अच्छा सा शैम्पू, कंडीशनर, सिरम यूज़ कीजिए, तभी आपको काफ़ी लंबे समय तक रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे मेरे बालों पे देखा जाए तो मुझे 1 साल तक, लास्ट टाइम जो मैंने करवाया था तो 1 साल तक मेरे बाल काफ़ी स्ट्रेट थे। और बालों में कितने टाइम तक स्मूदनिंग चलती है वो आपके बालों पे डिपेंड करता है, बालों के टेक्सचर पे डिपेंड करता है कि आपके नेचुरल हेयर कैसे हैं। तो मेरे बालों पे तो लास्ट टाइम काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्पा वगैरह करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, होम रेमेडीज़ वगैरह, घर पे ही कोई हेयर मास्क वगैरह लगा लेती हूँ, कुछ इस तरह से ही मैं अपने बालों की केयर करती थी। अब बात करते हैं कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए जब भी आप अपने बालों में स्मूदनिंग कराते हो तो स्मूदनिंग स्ट्रेटनिंग के लिए, जो स्ट्रेटिंग हेयर के लिए जो शैम्पू आते हैं वही यूज़ करने चाहिए, उनके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे मैं लॉरियल प्रोफेशनल जो शैम्पू आता है, कंडीशनर आता है, सिरम आता है, वो आजकल यूज़ कर रही हूँ, उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं। इसके साथ ही आपने स्मूदनिंग कराई है तो भी आपको ऑयलिंग करनी चाहिए, प्रॉपर बालों में ऑयलिंग करनी चाहिए। और अच्छे से आपको अपने बालों को में अच्छा सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कंडीशनिंग करनी चाहिए और एक अच्छा सीरम यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपके बाल काफ़ी अच्छे रहेंगे और काफ़ी सिल्की और स्मूथ दिखेंगे भी। लोगों का मानना है कि स्मूदनिंग बालों को डैमेज करती है। तो देखिए, जब भी आपके बाल में कुछ केमिकल लगेगा तो थोड़े तो बाल डैमेज होंगे ही, पर जब तक बालों में स्मूदनिंग का इफ़ेक्ट रहता है तब तक तो बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपके नेचुरल हेयर काफ़ी अच्छे हैं, ज़रूरत नहीं है उनको सिल्की बनाने की, तो स्मूदनिंग वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल हेयर से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। पर आपके बाल मेरे जैसे हैं, ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं और मैनेजेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल स्मूदनिंग करा सकते हो, एक बार स्मूदनिंग करा के देख सकते हो। और स्मूदनिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने सारी बातें क्लियर कर दी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और घर पे कैसे स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग की जाती है, उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज़रूर चेक करना। और आप चाहें तो लॉरियल का या किसी अच्छे ब्रांड का किट लेके उस वीडियो की हेल्प से घर पे भी स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।